बंकर। यस आई लाइक इट। ठीक है तो सर ये जो बंकर होता है ये हमारे गोल्फ के गेम को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए होता है। ठीक है अब मेन जैसे कि जो टफ कोर्सेज होते हैं जैसे ये बंकर बीच में ग्रीन फिर बंकर अगल बगल बंकर और अपने वाटर हैजर्ड्स। तो लाइक जैसे कि आपको पूरा ग्रीन पे मारना है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ गेम खेलना पड़ेगा। जो आजकल पीजीए टूर वगैरह चल रहे हैं तो वो मैक्सिमम उसी लेवल के हैं। तो सर देखो इसमें दो तीन चीज़ें जैसे कि मैंने अभी इसको स्क्रैच किया जैसे ये तो काफ़ी मतलब हार्ड हो रखा है तो ऐसे तो होते नहीं। हर सुबह रोड डेली गोल्फ कोर्स में रीरैक होता है। रीरैक मतलब जो उसको सॉफ्ट करते हैं मिट्टी को ना इस तरीके से। ठीक है उसको प्लेन भी करेंगे फिर वो ऐसे डन। अब जैसे आपकी बॉल आई उड़ के ठीक है ये प्लेन देगा और यहाँ फंस गई। ठीक है इसमें कहीं पर मतलब एक प्लग होगी तो आप उस बॉल को प्लेन जगह है और ऐसे करके फंस गई। ठीक है ना तो फिर इसमें आपके कोई ऑप्शन नहीं है आपको इसको यहीं से मारनी पड़ेगी ऐसे ही आप इसको हला ले नहीं सकते। ठीक पहली चीज। दूसरी चीज अब जैसे कि यहाँ पहले से ऑटोमेटिकली गड्ढा है ये किसी के जूते का निशान है। ठीक ये ऐसे हो रखा गलती से तो आपको ये यहाँ पर बॉल आई निशान बनते हैं यहाँ रोल हुआ निशान बना और बॉल इसमें आके गिर गई तो आप इसको रिपेयर कर सकते हो क्योंकि ये आपकी गलती का नहीं है। ठीक है यदि आपकी बॉल ऐसे करके गई यदि इसमें फिक्स होगी तो इसको आपको ऐसे ही मारना पड़ेगा क्योंकि आपकी बॉल का निशान दिख रहा है वो कि आई और डॉट वो फंस गया। ठीक है उसके बाद आप इसको रीरैक कर सकते हो। ठीक है आप रेफरी को बुला लें किसी को भी बुला लें तो आपको नॉर्मल एक जगह उसी जगह पे जिस तरीके से सॉफ्ट रेट है तो आपको वहाँ से उस गड्ढे को बिल्कुल क्लीन कर देगा और उसको रख देगा। ठीक है एंड इसको अब मेन है कि लाइक दो तीन चीज़ देखी होगी आपने उसमें कि प्लेयर ऐसे करता है जिसको पता है उस वो ना बताए ऐसे वो किस लिए करता है कुछ आइडिया ग्रिप के लिए। ओके और कोई चलो वो यहाँ पर आता है ऐसे चेक करता है किसी रेत की डेप्थ कितनी है। ठीक है ना यदि जैसे आप मैं खेला और मेरे से बॉल यहाँ पर आ गई ठीक है तो मैंने यदि गलती से यहाँ ये टच कर दिया यू तो एक शॉट पेनल्टी है। यदि मैंने बॉल के पीछे रख के ऐसे टच कर दिया तो पेनल्टी है। यदि रेत पे टच हुआ तो पेनल्टी है। ठीक है ना उसके बाद जो हमने देखना है कि भाई टच तो नहीं करे तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हमने रेत को दे दी। आप इस पर क्या करना है ये मैं सिर्फ समझाने के लिए टच कर रहा हूँ। इमेजिनेशन क्या है ये हेलो जी प्रणाम कैसा। ठीक है ना मैं कहीं इस लाइन को देखना आपने बॉल पे नहीं मारना आपने बॉल के एक डेढ़ इंच पीछे मारना है पूरा नीचे फिक्स में। यदि आपने गलती से जेडली इधर ध्यान है आपका ठीक है यदि आपका नीचे से मारना है मतलब आपने इमेजिनेशन बना लिया कि भाई मेरे को यहाँ मारना है तो आपने फिर नहीं मारना ठीक है ना नीचे की साइड तो आपने क्या करा अपने एंगल को फिक्स किया अपनी रेत देखी कि नीचे कितना है तो आप कितना नीचे मार सकते हो और मैक्सिमम देखो देखने में मेरा लगेगा कि भाई मैं जैसे पूरा घुमा दिया फुल स्विंग कर दिया। ठीक है ना अब मेरे को क्या करना है नॉर्मल रिलैक्स करके ना रिलैक्स करके नीचे इस जगह पे बॉल से एक इंच पीछे मारना है और रिलैक्स हाथों से छोड़ देना है तो बॉल क्या होगी आपकी स्पिन होगी और बॉल ग्रीन पर रुक जाएगी। यदि आपने टाइट मारा तो वो फिर भागने के चांसेस हैं उसको। ठीक है ना तो आपने कैसे करना है ये रिलैक्स और तो बॉल कहाँ लगी ये दिख रहा निशान आपको बॉल पे जो मैंने क्रॉस किया था वहाँ मारा मैंने और डेप्थ कम से कम मारी मैंने एक इंच अंदर कि जूते का मैंने वो देख लिया था कि मेरा शूज की लाइन कहाँ है। तो इसको इस तरीके से निकालते हैं इसका कोई ऑप्शन नहीं यदि आप बॉल पे मारे तो मैक्सिमम लोग यहाँ क्या करते हैं रेत है तो वो क्या करेंगे डरते डरते
पटरी मारना शुरू कर दो तो हार्ड सरफेस नहीं होता, जैसे ये ना ये ग्रीन वो बंकर नहीं है, ख़राब हो रखी है। इसको रिपेयर करने के लिए आपको हर जगह कैसे मिलेगी, सॉफ्ट रेत, ठीक है। तो भी सबसे पहले कौन करके दिखाएगा ये कारनामा, दो जन इधर आ जाओ, दो जन उधर आ जाओ, चलिए आइए।